हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9th का चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमने कल क्या किया था? इवेपोरेशन। तो हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूजेज ऑफ इवेपोरेशन इन डेली लाइफ, कि डेली लाइफ में इवेपोरेशन कहाँ यूज होता है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ डज इवेपोरेशन काउज कूलिंग, कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो किस प्रकार से इन्वायरमेंट को कूल करता है या फिर कूलिंग देता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम में देखो आप, हमने कोई भी ग्लास लिया है, उसके अंदर क्या है? वाटर है। अब आप देखोगे कुछ जो वाटर की लेयर है, ऊपर वाली लेयर, वो सीधा सन के कॉन्टैक्ट में आएगी। तो उसके कॉन्टैक्ट में आने से क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? इसका जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा? फिर वो वाटर है जो वेपर में चेंज हो जाएगा या फिर बाफ में चेंज हो जाएगा। यही था हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इवेपोरेशन किस प्रकार इन्वायरमेंट को कूल करता है या फिर ठंडा करता है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द एटमोस्फियर टू चेंज इंटू वेपर स्टेट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो सन से क्या लेंगे? टेम्परेचर या फिर एनर्जी लेंगे। एनर्जी लेने के बाद क्या होगा? वो क्या होगी कि लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द एटमोस्फियर टू चेंज इंटू वेपर, और वो वेपर में चेंज हो जाएंगे। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या फिर टेम्परेचर फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक सराउंडिंग्स कूल। अब देखो आप टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो पार्टिकल से लिक्विड के, तो इसे क्या होगा? जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो तो कम होने लग रहे हैं ना। अगर ये पार्टिकल्स जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे जो बाहरी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर कम भी होगा। तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा तो कूलिंग एनवायरमेंट में होगी। तो यही ये बता रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या फिर टेम्परेचर फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक सराउंडिंग्स कूल, ये क्या कर देगा? हमारे एनवायरनमेंट को ठंडा या फिर कूल कर देगा। क्वेश्चन सेकंड क्या है? व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, कि हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर क्या है? वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो सरफेस के ऊपर होते हैं लिक्विड के, वो क्या करते हैं? टेम्परेचर या फिर एनर्जी को गेन करते हैं सराउंडिंग से एंड चेंज इन टू वेपर, और बाफ में बदलते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर एज क्लॉथ्स एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम द बॉडी। हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में क्यों? क्योंकि कपड़े क्या करते हैं? जो हमारा पसीना है हमारी बॉडी का या फिर हमारे शरीर का, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड एक्सपोजिंग टू द एटमोस्फियर फॉर इजी ऑपरेशन, और इसको एटमोस्फियर के कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं। इससे क्या होगा? इवेपोरेशन की प्रक्रिया होगी। तो इवेपोरेशन में क्या होगा? वही होगा कि जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं हमारे स्वेट के या फिर पसीने के, वो बाफ में चेंज होते जाएंगे और हमारी बॉडी को कूल डाउन कर देंगे या फिर हमारी बॉडी को ठंडा रखेंगे। इसीलिए हम कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं गर्मी में, क्योंकि उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल रहता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, कि हम पानी के छोटे छोटे से कण आउटर सरफेस मतलब बाहरी सरफेस के ऊपर ग्लास वाटर के क्यों देखते हैं? हमने देखा होगा कि हम फ्रिज या फिर ठंडे पानी को जब ग्लास वगैरह में डालते हैं तो उसके बाहर पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, जो कि छोटे से कण होते हैं जो पानी के, वो बाहर उसके चारों ओर आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? ये हमारा क्वेश्चन ये है। इससे पहले, इस क्वेश्चन करने से पहले हमको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि कोई भी लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा उसका? देख, लिक्विड टेम्परेचर गेन एनर्जी करेगा या फिर टेम्परेचर को गेन करेगा। अब यहाँ पर हमने देखा था ऊपर कि ये लिक्विड है, ये टेम्परेचर को एनर्जी को गेन कर रहा है और बाफ में बदल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? लिक्विड टेम्परेचर को एनर्जी को गेन करेगा और गैस में बदलेगा।
तो यहाँ पर इसकी हीट क्या हो रही है, हीट करने से गैस में कन्वर्ट होगा लिक्विड, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और यहाँ पर देखो कोई भी गैस है अगर वो एनर्जी लॉस करेगी तो वो लिक्विड में चेंज होगी, या फिर गैस को ठंडा करने पर, कूल करने पर भी वो लिक्विड में चेंज होगी। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी टेक आइस कोल्ड वाटर इन ग्लास, जब हम बहुत ठंडा पानी ग्लास में रखते हैं, वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास, हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे पानी के कण बाहरी सरफेस पर आ जाते हैं। बिकॉज द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एयर ऑन कूलिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास, जो छोटे छोटे पानी के कण हमने कल पढ़ा था जो हवा में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, जो ठंडी सतह होती है ग्लास की उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, लूजेस एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, तो उसके बाद क्या होगा, वो एनर्जी को लॉस कर देंगे। देखो यहाँ पे गैस से आप पानी में चेंज होते हैं तो क्या करते हैं, वो एनर्जी को लॉस कर देते हैं। तो इस तरह यहाँ पर क्या होगा कि गैस है वो ठंडी होगी, ठंडे होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी और एनर्जी को लॉस कर देगी, एंड गेट्स कन्वर्टेड इंटू लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में बदल जाएंगे। ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर वन। हमारा चैप्टर वन यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो उसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर सेकंड कौन सा है हमारा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो मैटर हमारे चारों ओर प्रेजेंट है वो प्योर है या इम्प्योर है। चलो हम इसको आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क घी बटर साल्ट स्पाइसेस मिनरल वाटर और जूस डैट वी बे फ्रॉम द मार्केट आर प्योर, हम किस प्रकार पता लगाएंगे कि हम दूध लेते हैं, फिर घी या फिर बटर या फिर नमक मसाले या फिर मिनरल वाटर, कि ये प्योर हैं या नहीं है। हैव यू एवर नोटिस दैट वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स, हम क्या देखते हैं कि उनके जो पैकिंग होती है, जिस तरह यहाँ पर ये पैकिंग है, इसके ऊपर प्योर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, हम ये चीज़ देखते हैं सबसे पहले। तो फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन, कोई भी नॉर्मल या फिर कॉमन पर्सन के लिए क्या क्या चीज़ नोटिस करता है वो, क्या चीज़ देखता है कि इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए क्या है, ये सभी चीज़ें हैं जो घी है या फिर प्योर घी है या साल्ट है या फिर मिल्क है, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसों का मिक्सर है, एक्चुअली मिक्सर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हिन्स नॉट प्योर, और वो इनको प्योर नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, क्या है, हम दूध को प्योर मानते हैं लेकिन दूध क्या है, एक्चुअली पानी का एक मिक्सर है, और पानी का, फैट का और प्रोटीन का मिक्सर है क्या, मिल्क। व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर इट मीन्स डैट आल द कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स ऑफ डैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर, अगर वैज्ञानिक या फिर साइंटिस्ट किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जिन पार्टिकल्स से वो बने होते हैं ना, कंस्टिट्यूट पार्टिकल से, वो सभी पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, या फिर वो कंस्टिट्यूट पार्टिकल सारे के सारे एक समान होते हैं। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रकार के सभी पार्टिकल्स होते हैं। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी डैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, अगर हम चारों ओर देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि हमारे जो चारों ओर बहुत से मैटर हैं वो किसी न किसी चीज के मिक्स करके बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सी ए वाटर मिनरल सॉइल वाटर एंड ऑल मिक्सचर्स, जिस तरह सोइल सी वाटर है, सी वाटर में क्या होता है, वाटर और NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड का मिक्सर होता है, इसी तरह मिनरल भी मिक्सर होता है। ठीक है, तो हम कल को क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज मिक्सर, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, व्हाट इज मिक्सर। ओके, थैंक यू क्लास, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक यू।